श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भोजन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा और हमारे घर में संपन्नता, धन धान्य और स्वास्थ्य स्वस्थ जो हम स्वस्थ रहें। और ये जो टॉपिक है, मुझे कई बार इस विषय पर अलग अलग जातकों के मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि पंडित जी, हमें किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज हम इसी विषय पर कवर करेंगे और बहुत यूनिक टॉपिक है और बहुत ही आपके लिए ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम रोज़ भोजन करते हैं, कई बार हम बाहर भी खाने जाते हैं तो टेबल पर बैठते हैं कहीं, तो किस दिशा में हम बैठे हैं जिससे कि हमें चीज़ें जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव रहें। क्योंकि दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें मानव की जो भूमिका है, जो मानव को चलाए मान रखती, वो भोजन ही करती, अन्न ही करता है। और इसलिए अन्न जो है, अन्न से ही लक्ष्मी, अन्न अन्नपूर्णा का है और माँ अन्नपूर्णा भी माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अन्न होगा तभी तो जीवन होगा। अब आते हैं, उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा सही और सकारात्मक जानकारी मिलती रहे, पॉजिटिव जानकारी मिलती रहे। और कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय लिखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तीसरी बात है कि आप उससे यदि परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले कि अगर सबसे पहली जो दिशा है जिसमें हमें प्राथमिकता के साथ भोजन करना चाहिए, वो है पूर्व दिशा की ओर। अगर आपका घर पूर्व दिशा में है, मतलब आपका मुंह पूर्व दिशा में है, तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूर्व दिशा सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर अगर आप भोजन करना चाहते हैं, वो है उत्तर दिशा की ओर भोजन, मुंह कर कर भोजन करें। इसके अलावा जो है दोस्तों, तीसरे नंबर की बात जो है, पश्चिम दिशा की ओर आप भोजन करें। और चौथी जो है, जहाँ आपको नहीं करना चाहिए, वो है दक्षिण दिशा की ओर। मतलब दक्षिण में हमें मुंह बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और उस ओर हमें दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन उत्तर और पूर्व दिशा की ओर आप मुख करके भोजन कर सकते हैं, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पश्चिम से भी बचें, जितना हो सके पश्चिम से भी बचें, मतलब उसमें भी ना करें तो अच्छा रहे, अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो। ये इस तरह से भोजन करने से, मतलब इन दिशाओं में बैठकर, दिशा की ओर मुंह करना है आपको भोजन करने से, बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव और सकारात्मक होती है, लेकिन दक्षिण दिशा से आप बचें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।